अरे अरे ठोको मत, ठोको मत। मेरे सर पे मारोगी क्या? आराम से पलटा मत देना, इसमें मगरमच्छ सोने होगा ना। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी हम हैं नैनीताल में। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा हम आए हुए थे यहाँ पे दोस्तों के साथ में, हमने बहुत मस्ती की और कल रात को हम यहाँ पे रुक गए थे। तो फिलहाल उठता हूँ, रेडी होता हूँ, बाकी सभी दोस्तों को उठाता हूँ और आज हम जाने वाले हैं ट्रैक पे नैना पीक के, सबको लेके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी सभी उठ गए गाइज, जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और फिर निकलेंगे यहाँ से। आज कहाँ जाने वाले पता है? ट्रैकिंग पे। गुड मॉर्निंग, जल्दी रेडी हो जाओ फिर। तो गाइज मैं तो मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ, अभी फिलहाल सारे रेडी हो रहे हैं, फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और सारा सामान पैक करते हैं, बिकॉज ब्रेकफास्ट के बाद हमको निकलना है चेकआउट करके यहाँ से। फाइनली हमेशा की तरह लेट और हम देखो यहाँ पे इतनी देर से वेट कर रहे हैं। ये देखो कितना सुंदर बना हुआ है और रात को तो और मस्त लगता है, यहाँ पे लाइट जलती है सारी मस्त। ये है यहाँ का कैफे, ये प्यारा सा बना के अंदर से और ही मस्त है ये। चलो चलते हैं अंदर। ये देखो भाई, यहाँ नीचे भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं। अच्छा, हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया है, नीचे बैठना है। अपने अपने जूते उतारो, नीचे बैठना है तो। के प्रिया मेरे उतार रही है, मैं भी आगे उतार दूंगी शूज। बोलने की जरूरत थोड़ी है, अपने अपने निकालो। मैक्रोनी और पोहा। थैंक यू। खाना तो मस्त है। चलो भाई ब्रेकफास्ट हो चुका है, चलो भाई निकलते हैं अब यहाँ से, काफी ज्यादा लेट हो गए हम, 11 बजने वाले हैं। हमारी गाड़ी खड़ी है ऊपर, ऊपर पार्किंग है। और गाइस ये जो जगह है ना, ये प्रॉपर नैनीताल नहीं है, नैनीताल से ऊपर पंगोट वहाँ पे है, तो आप आ सकते हो। बाकी सब रेडी? रेडी। तो अभी जाने से पहले हम फोटो ले रहे हैं आई लव सांझ के साथ में, और यहाँ पे खड़ी अपनी फॉर्चुनर। देखो पार्किंग भी बेस्ट है यहाँ पे, पूरी धूल ही धूल। बैठो। अरे बैठो यार, जल्दी बैठो। तो गाइस पहुंच गए, गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, अब यहाँ से जाना है हमको ट्रैक करके। हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है, हमको जाना है यहाँ से। गाइस मैं चौथी बार जा रहा हूँ इस ट्रैक पे, बाकी ये सब तो पहली बार आए हैं, तो देखते हैं कैसा लगता है इनको। ये देखो ये गुफा है, बाकी गुफा है, एक और बाकी गुफा आ गई। देखो गाइस ये देखो, थोड़े से में थक गए ये दोनों, अभी तो बहुत ऊपर जाना है, क्यों थक गए? अरे चलो चलो रास्ता हटाओ यार, हमको जाने दो, साइड में बैठो, साइड में, रास्ते में क्यों बैठो भाई? ये क्या है, ये भाई मेरी बैठ जा रहे हैं, थक गए तो बता दो, हम अभी बोल रहे हैं। ये देखो फिर बैठ गए। अरे यार चलो, अभी खुद यहाँ पे बैठ रहा था, अभी बैठ के वीडियो बनाने लग गया हमारी। पूरे ब्लॉग में झूठ बोल रहा है, क्या कह रहे हो? क्या झूठा ब्लॉग बना रहे हो? झूठ बोल रहा है, दोनों बेहोश थे, पानी वाने छोड़ के इनको बिठाया। क्या कर रहे हो यार तुम? तुम्हारे वजह से हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अभी क्या बोल रहे थे, थोड़ा बैठना चाहिए, बहुत हर चीज में लेट। एक और बाघ की गुफा आ चुकी है, रास्ता थोड़ा डेंजरस है, पत्थर बहुत ज्यादा है यहाँ पे और एकदम खड़ी चढ़ाई है, लेकिन सभी अच्छे चढ़ रहे हैं। थकावट, बैग पकड़ के चढ़ने की नहीं हो रही है थकावट, वो क्या होता है? So what's your feelings? The city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. भाई मेरे को लग रहा है पोपट होने वाला है, क्योंकि फॉग है, क्या पता व्यू दिखे ना सामने। पोपट हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा, ना कोई पहाड़ दिख रहा है, ना नैनीताल दिख रहा है, ना व्यू दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। फॉग तो दिख रहा है, ये क्या? देखो सामने कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। यार। अबे यार चलो अब थोड़ी देर बैठ जाते हैं यहाँ पे, वेट करते हैं, क्या पता फॉग हट जाए। गए जी भाई मिले, इनका जुगाड़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो इनका जुगाड़, मतलब पत्थरों में अटका रखा है, लिटरली पत्थरों में। गिर गया तो नहीं गिरेगा, लेकिन अब फॉग जा रहा है, देखो धीरे 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 दिख रहा है, होपफुली दिखेगा हमको। Finally दिख गया। Finally सबने अपने different perspective से उसके अलग-अलग नाम निकाले। क्या नाम निकाले? किसी को काजू दिख रहा है, किसी को किडनी दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? राजमा। क्या दिख रहा है? काजू। काजू जो भी दिख रहा है दिख गया, लेकिन चले फिर अब चले। गाइस सब ने अलग अलग नाम निकाल दें, कोई काजू लेक कह रहा है, राजमा लेक कह रहा है, कोई ओएस लेक कह रहा है, कोई किडनी लेक कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या ले रहा है। एक्चुअल में इसका नाम है नैनी लेक,
सबसे ज्यादा फेमस है ये मैंगो लेक के नाम से, कि मैंगो शेप है। आज हमने सबको सच का सामना बता दिया ना, सामना बता दिया करा दिया सामना बता दिया। हमको ऊपर आने में 1.5 घंटा लगा, लेकिन नीचे आने में 1 घंटा लगेगा आई थिंक, है ना। तो फटाक से जाएंगे भाई। शुरू में हमको लगा कि हमको दिखेगा ही नहीं व्यू, हमको लेक दिखेगी नहीं, क्योंकि पूरा फॉग था ना। गाइस ये देखो इतना बड़ा बीटल। गाइस देखो जंगली काजू कतली मिली है। काजू कतली खानी है किसी को? भाग के आओ, जो पहले उसको मिलेगा। लो फाइनली पहुंच चुके हैं नीचे। गाड़ी को देख के इतना बुरा लग रहा है ना, गाड़ी के लिए धूल इतनी ज्यादा गंदी हो गई है। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत मजा आया ना, लेकिन हमने मस्ती बहुत की, बातें फन रास्ते, मतलब रास्ते में बहुत मजा आया। किसी ने शक्ल बना दी मेरी, ये कलाकार मैं ही हूं, बनाने वाले की शक्ल भी बनी हुई। गाइस ये देखो उल्टे रास्ते ला रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। ये गाड़ी ऐसे खड़ी है, ये गाड़ी ऐसे खड़ी है, जबकि हमको इधर से जाना चाहिए। मतलब सभी रॉन्ग साइड चल रहे हैं, सभी रॉन्ग साइड। बहुत बढ़िया ला रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। रॉन्ग साइड वाले निकल रहे हैं, हम नहीं निकल पा रहे। अरे यार वैसी ट्रैफिक लग रहा है। सॉरी। हम कब निकलेंगे भाई? भाई कैसे? अब तो मैं जा रहा हूँ भाई। अब देखो भाई। थैंक यू। फाइनली अब निकले हैं। गाइस नैनीताल में तो बहुत खतरनाक वाला ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम खा रहे हैं यहाँ पे पास्ता। हमने पैक करा था जो हमारा बच गया था ना, तो यही खा रहे हैं, पास्ता और पोहा। और पोहा। तो अभी गाइस पहुंच गए हम भीमताल। यहाँ पे भी हाइकिंग तो यहीं पे कर लेंगे, और इनको टापू भी जाना है आज, टापू भी लेके जाएंगे इनको। एक हाथ से चल जाएगा, नहीं डूबेंगे। लाइफ जैकेट है। ओए कितना आगे जाएंगे हम? गाइस सौरभ ने मेरे को बोला बिल्कुल भी कष्ट मत करो, मैं ही आपको चला के दे दूंगा। हमारे साथ ही कहाँ है ना? अरे अरे ठोको मत। ए, 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 मेरे सर पे मारोगी ए मोहित, मेरे को थप्पड़ मारोगे इससे? भाई मैं कहाँ फंस गया भैया, मैं तो चलाने के लिए आया। पता चले वो नाव वाला तैरता हमको बचाने के लिए आ रहा है। चलो भाई रेस लगेगी, रेस। ए ए आराम से, पलटा मत देना। आ जाओ भाई आ जाओ, कौन जीतेगा? इसमें मगरमच्छ तो नहीं होगा ना? जीत गए आराम, जीत गए। अरे अरे साइड। गाइस भीमताल में तो मैं पहली बार कर रहा हूँ कयाकिंग। चलो भाई किनारे आ गए हैं, अब हम जाएंगे टापू पे, वहाँ पे हमको बोट से जाना पड़ेगा। गाइस फिर से जैकेट डाल लिया हमने, इतिहास दोहराया गया। हाय, हेलो हेलो, आ गया टापू। चलो भाई पहुंच गए एक्वेरियम कैफे पे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की मछलियाँ हैं, पूरी आगे तक, ऊपर नाम भी लिखा हुआ पढ़ सकते हो। और ये देखो ओ भाई ये कितना क्यूट है। कैसा लग रहा है बेटा सौरभ जोशी जी से मिलके? अच्छा लग रहा है, इनके पास भी देख लिया हमने। कैसा लग रहा है ये तो बता दे। अच्छा गाइस ये देखो शार्क, शार्क फिश, छोटी वाली शार्क है ये। तो भी गाइस हम टापू के ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे यहीं बैठेंगे बस। सुंदर मस्त तैयारी तो बहुत। आज हम कहाँ रुकने वाले रात को पता है? सामने इनमें से किसी होटल में रुकेंगे हम। इसी तो गाइज हमारी पेटीज आ गई है, मस्त खाते हैं, साथ में हम पी रहे हैं कॉफी। तो गाइज फिर से जा रहे हैं हम बोट में। तो भी होटल पहुंच गए हैं, और ये है रूम। और देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे देखो भाई क्या चल रहा है। बोल बोलिए भाई। और यहाँ से बाहर का भी दिखाता हूँ। आज तो चंदा मामा भी दिख रहे हैं, और पूरी लेक दिख रही है, और लाइट्स ही लाइट्स पूरे पहाड़ों में। और ये सामने भीमताल लेक है। अभी हम उस वाले टापू पे थे, देखो वो टापू है ना, अभी वहाँ पे थे, अभी यहाँ आ चुके हैं होटल पे। और ये होटल रूम, सारे मस्त बैठे हैं यहाँ पे। एक रूम ये है और एक रूम ये है। तो गाइज हमारा डिनर आ चुका है, मस्त दाल रोटी सब्जी एंड चावल। तो गाइज खाना पीना हो चुका है, फिलहाल आ गया अपने रूम में, अब एडिटिंग शुरू करूंगा। आज का दिन हमारा काफी मस्त था, काफी इंजॉय किया। तो कल लास्ट डे उनका, तो कल भी घूमेंगे फिर चलेंगे वापस दिल्ली। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। गाइज मैं तो चौथी बार जा रहा हूँ इस ट्रैक पे। सॉरी।
But you tried to